morning, children. Yes, first class. You open your English textbook. बेटा आप अपनी English की book निकालिए. और today we are going to start in our English book chapter number 5, myself. यानी कि आज हम chapter number 5, myself जो है इसकी exercise already we have completed. हम कर चुके हैं. और पेज नंबर 26 के ऊपर देखिए, यहाँ से हम आज आपको स्टार्ट करवाएंगे स्पेलिंग्स. अब स्पेलिंग्स में हमें ये देखना है कि स्पेलिंग्स में हमें क्या देखना है, टिक द करेक्ट स्पेलिंग. टिक द करेक्ट स्पेलिंग, टिक द करेक्ट स्पेलिंग में क्या है देखिए, एस एल एफ आई ई फर्स्ट है, दूसरा है एस एल एफ आई और तीसरा है एस एल एफ आई. हमारे लेसन का नेम है सेल्फी, फोटोग्राफ शोन लेना, ये एस एल एफ आई ई सेल्फी. यहाँ पे हम क्या नोटेड करेंगे, एस ई एल एफ आई ई सेल्फी नोटेड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यू टिक सेकंड ऑप्शन, टिक मार्क राइट, राइट का टिक मार्क सेकंड ऑप्शन के सामने आपको करना है. नेक्स्ट है सेकंड लैपटॉप, लैपटॉप. अब इसमें देखिए एल ए पी टी ओ पी टॉप, एल ए पी टी ए पी टैप लैपटॉप और एल ओ पी टी ए पी लॉप टैप. इन तीनों में से विच वर्ड इज राइट, राइट वर्ड इज फर्स्ट. लैपटॉप, लैपटॉप इज ए राइट वर्ड, इसे हमें टिक मार्क करना है. ओके नेक्स्ट देखिए इंटरनेट, आई एन टी आर एन ई टी इंटरनेट, आई एन टी आर एन ई टी, आई एन टी ई आर डबल एन ई, यहाँ आई एन टी आर एन ई टी इंटरनेट. सेकेंड ऑप्शन इज राइट, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, सेकेंड ऑप्शन को राइट करके मार्क कीजिए. नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ में आता है कंप्यूटर, सी ओ एम पी यू टी ओ आर कंप्यूटर, सी ओ एम पी यू सी ओ एम पी टी यू आर ई कंप्यूटर, सी ओ एम पी यू टी ई आर थर्ड ऑप्शन इज राइट, सी ओ एम कम पी यू यू और टी ई आर टर कंप्यूटर. सो स्टूडेंट्स यू लिसन मी अगेन, टेक द करेक्ट स्पेलिंग. फर्स्ट है सेल्फी, एस ई एल एफ आई ई सेल्फी इज, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट. सेकंड जो है उसमें लैपटॉप, लैपटॉप और लॉपटॉप, सेकंड ऑप्शन इज राइट लैपटॉप, एल ए पी लैप और टी ओ पी टॉप लैपटॉप. थर्ड में है इंटरनेट, इंटरनेट में सेकंड ऑप्शन इज राइट, आई एन टी ई आर एन ई टी इंटरनेट. नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ में है कंप्यूटर, सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर. नेक्स्ट आ जाइए कम्युनिकेशन स्किल्स में, लिसन एवरी, योर टीचर विल टेल ए स्टोरी, आपका अध्यापक आपको एक कहानी बताएगा. लिसन टू हिम हर केयरफुली, आप उसे बड़ी सावधानी से सुने. एंड राइट एट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स, और रिक्त स्थान में आपको एट वर्ड्स फिल करने हैं. विच यू हियर इन द स्टोरी, जो कि आपने स्टोरी के अंदर सुने हैं. सुने, अब स्टोरी में सुनने का मीन्स ये है कि हमें क्या करना है कि दोबारा सुनिए. योर टीचर विल टेल ए स्टोरी, आपका अध्यापक आपको एक कहानी बताएगा. लिसन टू हिम हर केयरफुली, उसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है. एंड राइट एट वर्ड्स इन द ब्लैंक्स, और रिक्त स्थान में आपको एट वर्ड लिखने हैं. विच यू हियर इन द स्टोरी, जो आपने इस स्टोरी में सुने. अब देखिए एट वर्ड में से आप कोई भी एट वर्ड लिख सकते हैं. इसमें मैं आपको अभी बता रही हूँ एंड नोटिस करवाती हूँ कम्युनिकेशन स्किल में. जैसे फर्स्ट वर्ड ठीक है, एस ई एल एफ आई ई सेल्फी हो गया. सेकेंड वर्ड जो है वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, डी आर ई डबल टी वाई. इसमें ये नहीं है कि हमें कौन सा वर्ड पढ़ना है, हम कोई भी वर्ड फिल कर सकते हैं जो हमने इस स्टोरी में सुने.
नेक्स्ट है लैपटॉप, थर्ड वर्ड क्या हो जाएगा लैपटॉप, फोर्थ वर्ड है बस स्टैंड, BUSTED बस स्टैंड, फिफ्थ में आ जाएगा कंप्यूटर एंड सिक्स्थ वर्ड क्या होगा, सिक्स्थ पे आ गया पैसा। नेक्स्ट एक और सेवन पे एक और नेक्स्ट इंटरनेट, पहले अगर हम जैसे यहाँ प्रति है बस्टर्ड है इसके प्लेस पे हम मोबाइल फोन भी लेना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं, यानी कि इवन एनी एक वर्ड फिल इन कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हमें कोई भी एक वर्ड फिल करने हैं, यहाँ पे हम मोबाइल फोन का यूज भी कर सकते हैं, जैसे बस्टर्ड है प्रति है इसके जगह आप मोबाइल फोन इसके ऑब्लिक में आप मोबाइल फोन भी नोटेट कीजिए। ये आप कहाँ नोट करेंगे, आपको ये यहाँ पे नोट करना है अपनी बुक में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट यहाँ सीरियल के अंदर आपको नोटेट करनी है। नेक्स्ट देखिए स्पीक द फॉलोइंग वर्ड्स आफ्टर योर टीचर, अपने अध्यापक के पीछे आपको कुछ शब्दों का फॉलो करना है, आपको बोलने हैं। सी द डिफरेंस इन द साउंड ऑफ आई, इसमें आई की जो साउंड है उसके डिफरेंस को उसके अंतर को समझना है, आप देखिए कैसे समझिए BIT बाइट बी और बाई, यहाँ बड़ी ई की साउंड है जो यहाँ छोटी ई की साउंड है, ठीक। हाई दोनों में ही फर्स्ट वाला जो लेटर है उसमें स्मॉल ई है और हाइट के अंदर बिगर ई है, फिट हाइट इनमें भी सेम है, पिन फाइन इसमें भी सेम है, पिन और फाइन जो कंप्लीट वर्ड है सेकंड उसके अंदर बिगर ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लिट लाइट किट काइट इसमें आई की जो साउंड है वो कैसे है, जैसे ठीक है इतना अंतर है, फर्स्ट वर्ड में सभी में ये ई है, सेकंड में ये है आई यहाँ पे, बट इसकी होती क्या है डबल ई, लेकिन साउंड किसकी प्रोड्यूस हो रही है, इसकी प्रोड्यूस हो रही है बड़ी ई की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है कि स्मॉल ई के लिए किसका यूज है और बिगर ई के लिए बड़ी ई के लिए किसका यूज है। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 27 लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड राज, राज और अध्यापक के बीच जो बातचीत हुई उसे सुनिए। देन स्पीक अबाउट यूर सेल्फ टू योर क्लास, देन स्पीक इसके पश्चात अबाउट यूर सेल्फ टू योर क्लास अपने कक्षा में अपने स्वयं के बारे में बातचीत करें। हेलो राज इट इज योर फर्स्ट डे एट स्कूल, यह तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है। वुड यू टेल अस समथिंग अबाउट यूर सेल्फ, वुड यू टेल अस हमें आपने कुछ बताया, समथिंग अबाउट यूर सेल्फ आपके बारे में क्या कुछ आपने हमें बताया। आप देखिए इधर साइड में इस कॉलम के अंदर इनकी जो कन्वर्सेशन चल रही है वो ये है, कन्वर्सेशन हम स्पोक आउट करते हैं। यस सर, हाँ श्रीमान जी, हेलो एवरीबडी, हेलो
आई एम राज, मैं राज हूँ. राज कहता है हेलो एवरीबडी, मैं राज हूँ. आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं राज हूँ और मैं 6 वर्ष का हूँ. आई एम फ्रॉम चेन्नई, मैं चेन्नई से हूँ. माई फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं. हिज नेम इज के रेड्डी, आर के रेड्डी, उनका नाम आर के रेड्डी है. माई मदर्स नेम इज दीपा रेड्डी, मेरी माँ का नाम दीपा रेड्डी है. सी इज ए हाउस वाइफ, वह एक गृहिणी है. आई हैव ए यंगर सिस्टर नेम्ड सिमी, मेरे एक छोटी बहन है जिसका नाम सिमी है. आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स, मैं मित्र बनाना पसंद करता हूँ. एंड रीड स्टोरी बुक्स, और कहानियों की पुस्तक भी पढ़ता हूँ. राइट ए भाई, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट टू लाइन्स अबाउट देम. अब नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं, इनके बारे में हमें टू लाइन्स लिखनी है. लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे जो पिक्चर दी गई है, एंड राइट टू लाइन्स अबाउट देम, और इनके ऊपर हमें दो लाइन लिखनी है. देखिए सबसे पहले क्या है, कैमरा दिया हुआ है. दिस इज ए डिजिटल कैमरा. फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसमें राइट के भाई में इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके नेम हमें फिल करने हैं. जैसे फर्स्ट बॉक्स में हम फिल करेंगे एंड बी, सेकंड क्या है बी, थर्ड क्या हो जाएगा बटरफ्लाई, बटर फ्लाई, नेक्स्ट जुगनू, जुगनू, नेक्स्ट इसी प्रकार के अनेक प्रकार के इंसेक्ट्स हैं जो कि हमें उड़ते हुए नजर आते हैं. इसमें हम यहाँ हमने फ्लोर के नेम लिखे हैं एंड बी, एक नॉर्मल बी होती है और एक हनी बी होती है. कितने हनी बी, हनी बी का मीन्स है शहद वाली मधुमक्खी जो शहद प्रिपेयर करती है.
जुगनु जो कि रात में हमें प्रकाश दिखाता है, क्या दिखाता है? रात में हमें क्या नजर आता है? जुगनू में लाइट नजर आती है, बटरफ्लाई जो कि जगह जगह उड़ती हुई नजर आती है। नेक्स्ट बी, एक साधारण मक्खी जो होती है एंड ये एक चिट्टी है, इसी प्रकार से जैसे मॉस्किटोज है तो ये भी क्या है? एक इंसेक्ट है मॉस्किटो। आपको अपनी एमवी में एक्सरसाइज नोट करनी है। ओके, सी यू।